हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आर एस एम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो तो टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन ऑन द रिसर्च एप्टीट्यूड एमसीक्यूज एंड आप सभी को पता है अभी जो महाराष्ट्र सेट का एग्जाम जून मंथ में होने वाला था ड्यू टू द दैंडेमिक सिचुएशन ये अभी डिसम्बर के ट्वेंटी को होने वाला है उनके तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है वो मैंने टेलीग्राम के चैनल पर ऑलरेडी आपको दे दिया था तो अभी हमें उसी के बेसिस पे प्रिपरेशंस करने हैं तो इस चैनल पे आपको पेपर वन और पेपर टू पेपर टू कॉमर्स के बहुत सारे एम हम प्रैक्टिस करेंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन दैट विल बी अ रिविजन फॉर ऑल ऑफ यू बहुत सारी चीज़ें हम इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करने वाले हैं तो आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना

कुछ uh, पॉइंट्स ये मेरा प्रोफाइल है आप उसके बेसिस पे देख सकते हैं चलो क्वेश्चन नंबर रिसर्चर फेल्स टू रिजेक्ट द नल दैट इज जीरो रिसर्च वॉट इंप्लीकेशन विल इट कैरी फॉर हिज प्रिंसिपल रिसर्च हाइपोथिस ऑप्शन आर एक्सेप्टिंग द रिसर्च हाइपोथिस रिजेक्टिंग द रिसर्च हाइपोथिस नॉट टेकिंग एनी डिसीशन ऑन द रिसर्च हाइपोथिसिस इंप्रूविंग द रिसर्च हाइपोथिस देखो बेसिकली रिसर्च के लिए जो हाइपोथेसिस होते हैं उसमें दो टाइप के हाइपोथेसिस होते हैं एक होता है आपका नल हाइपोथेसिस जिसको हम एच जीरो के बेसिस पे डिनोट करते हैं और दूसरा होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस और यहाँ पे क्या बोला है रिसर्चर फेल्स टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस फेल्स टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस इज ऑल्सो पॉइंट रिलेटेड विदर्च हाइपोथिस ध्यान से काफी कंफ्यूजिंग पॉइंट में दिया जाता है एच जीरो का मतलब होता है देर इज नो रिलेशनशिप बिट्वीन टू वेरिएबल्स और अगर हम देखें तो अल्टरनेट हाइपोथिस क्या होता है फिर देर इज अ रिलेशनशिप और हमेशा हम नल हाइपोथिस को रिजेक्ट करना चाहते हैं और उसके बेसिस पे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं एंड देन वी कैन फाइंड आउट और देन वी कैन टेस्ट हाइपोथिस टेस्टिंग के लिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट methods यूज होते हैं टेक्निक्स यूज होते हैं वो तो आपको धीरे धीरे हम आगे वाले एम सी क्यूज में डिस्कस करने वाले हैं अगले पॉइंट में जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके सामने विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च फॉर फोकसेस ऑन टेस्टिंग एंड तो ऐसे कौन से रिसर्च फॉर्मेट में हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन्वॉल्व होती है ऑप्शन आर एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपोस्ड फैक्टो रिसर्च इंटरवेंशन बेस्ड एक्शन रिसर्च फिनोमिनोलॉजिकल एंड नरेटिव रिसर्च और केस स्टडी रिसर्च देखो अगर हम ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को तो देर आर टू टाइप्स बेसिकली एक क्वालिटेटिव होता है एक क्वान्टिटेटिव होता है जो हमारा क्वांटिटेटिव है जिसमें हम न्यूमरिकल्स के बेसिस पे रिसर्च uh, को देखेंगे नंबर्स के बेसिस पर रिसर्च को देखेंगे तो अगर फिनोमिनोलॉजिकल और नरेटिव रिसर्च और केस स्टडी देखा तो ये दोनों के दोनों जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च है तो आपको ध्यान रखना है तो इसका राइट right आंसर क्या है इसका राइट right आंसर है एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपोज फैक्टो रिसर्च एक्सपोज फैक्टो का मतलब क्या होता है आफ्टर द फैक्ट्स एक इवेंट ऑकर होने के बाद उसके ऊपर रिसर्च किया जाएगा और एक्सपेरिमेंटल आप सभी जानते हैं बहुत बार आपके नेटसेट के पेपर में पूछा गया एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है दो वेरिएबल्स होते हैं एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें हम चेंज करते हैं और उसका इम्पैक्ट देखते हैं हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड एक्सपोज फैक्टर रिसर्च में हाइपोथिस टेस्टिंग भी होती है और जनरलाइजेशन भी होता है नेक्स्ट इज अ गुड रिव्यू ऑफ रिसर्च लिटरेचर एम्स एट देखो रिव्यू ऑफ लिटरेचर जिसको आर ओ एल के नाम से जाना जाता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर बहुत जरूरी है बिकॉज रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या होता है हम हमें ये देखना पड़ता है कि इस यही टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी कितने लोगों ने रिसर्च किया था और उन्होंने कौन से ऐसे पॉइंट्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया जिस पॉइंट्स के ऊपर हम ध्यान देके हम एक नया रिसर्च या थीसिस प्रिपेयर कर पाएंगे और जिसके ऊपर हम एम या पी कर पाएंगे तो बेसिकली रिसर्च दो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है दैट इज़ बेसिकली यूज फॉर आइडेंटिफाइंग द गैप एनालिसिस मतलब इसके पहले कितने लोगों ने कौन से कौन से एस्पेक्ट्स के ऊपर ध्यान दिया है और उसी के ऊपर उसी के बेसिस पे जो ऐसे की एरियाज है जहाँ पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया है उसके बेसिस पे हम हमारे गैप एनालिसिस को फाइंड करके देन हम हमारा रिसर्च आगे बढ़ाएंगे जिसमें हम रिसर्च क्वेश्चन भी फाइंड आउट करेंगे तो अभी देखते हैं इसके ऑप्शन सब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ कंटेंट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑथर्स एंड जनरेट रिसर्च क्वेश्चन मल्टीपल टास्क बेस स्क्रीनिंग तो काफी क्वेश्चन है आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ है रिसर्च लिटरेचर से हम क्या करते हैं हम रिसर्च क्वेश्चन को जनरेट uh, करते हैं और उस, उसी क्वेश्चंस को हम वैलिडेट भी करते हैं दैट इज कॉल्ड दी राइट आंसर इज जनरेट रिसर्च क्वेश्चंस एंड वैलिडेटिंग दोस्त

हाइपोथिस क्या होता है हाइपोथिस इज नथिंग बट अ सर्टन एंड एस्टैब्लिश फाइंडिंग अ पार्ट ऑफ रिसर्च क्वेश्चन अ स्ट्रैटेजी ऑफ इवेल्युएटिंग डेटा या एक टेंटेटिव स्टेटमेंट प्रोवाइडिंग एन एक्सप्लेनेशन ध्यान से समझ लेना हाइपोथेसिस क्या है हाइपोथिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है जो हमने फाइंड किया बेसिकली हमने सोचा कि ये ऐसा हो सकता है देन हम उससे रिलेटेड डेटा को फाइंड करेंगे

बहुत सारे क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स है जो आपको ध्यान रखने हैं तो क्वालिटेटिव रिसर्च को क्या बोला जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च होता है और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वांटिटेटिव में नंबर्स आएंगे न्यूमरिकल्स आएंगे और क्वालिटेटिव रिसर्च को क्या बोला जाता है एथिनोग्राफिक डिस्क्रिप्टिव अनस्ट्रक्चर्ड या स्ट्रक्चर्ड ध्यान रखना क्वालिटेटिव रिसर्च हमेशा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में चलेगा तो क्वालिटी रिसर्च इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रक्चर्ड अप्रोच तो ध्यान रखना है आपको स्ट्रक्चर्ड अप्रोच उसे बोला जाता है आगे बढ़ते हैं द ईजस्ट एटीट्यूडनल स्केल विच इज अ समेटेड रेटिंग स्केल इज गटमैन स्केल लीकर्ड स्केल थर्ड स्टोन स्केल या एम एल ए स्केल ध्यान रखना सबसे सिंपल और सबसे ईजीएस्ट है जो बार बार यूज होता है जिसमें हम Uh, बहुत सारे बेसिस पे फाइंड करते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जैसे गुड वेरी गुड एक्सीलेंट उसके बेसिस पे ये सेटिसफाइड हाईली सैटिस्फाइड न्यूट्रल डिसटिस्फाइड ऐसे बेसिस पे फाइव पॉइंट रेटिंग स्केल सेवन पॉइंट रेटिंग स्केल पे मेथड uh, यूज होता है जिससे हम डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके बेसिस पर हम उसको एनालाइज करते हैं तो जो ईजिएस्ट एटीट्यूडनल स्केल है जो समेटेड बेसिस पे चलता है एक होता है फॉर्मेटिव बेसिस एक होता है समेटेड रेटिंग तो समेटेड रेटिंग पे जो चलता है और सबसे सिंपल है जिससे जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करना चाहते हैं उसे बोला जाता है वो कौन सा है दैट इज कॉल्ड लीकड स्केल ध्यान रखना इट्स लीक स्केल्फ लीकड स्केल फाइव पॉइंट स्केल पर चलता है सेवन पॉइंट स्केल पर चलता है और आगे टेन पॉइंट के बेसिस पे भी चलता है लेकिन बेसिकली हम इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पर नॉर्मली फाइव पॉइंट स्केल ज्यादा से ज्यादा यूज होता है नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे अ क्वेश्चनर दैट ऑफर्स नो स्कोप फॉर एनी रेस्पॉन्डेंट्स ओन व्यूज इज कॉल्ड एज जब हम किसी से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तब हम क्वेश्चनर प्रिपेयर करते हैं और वो क्वेश्चनर हम उनको फिलअप करने के लिए देते हैं तो क्वेश्चनर अगर देखा जाए तो जहां पे कोई भी स्कोप नहीं है रेस्पोंडेंट्स से रेस्पोंडेंट अपना खुद की राय दे दे सकता है बिकॉज हमने सारे ऑप्शंस में सारे क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस दिए हैं यस नो या जो भी हमने ऑप्शंस दिए उसी को उसको टिक मार्क करना है वो अपने बेसिस पे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं कर सकता तो इसको क्या बोला जाता है क्लोज एंडेड ओपन एंडेड शेड्यूल या अनस्ट्रक्चर्ड तो काफी ईजी क्वेश्चन है उसे बोला जाएगा क्लोज एंडेड ज ओन ओपिनियंस व्हाट एवर वी हैव आस्क हिम उसी के बेसिस पे इंफॉर्मेशन दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप हैज अ पोटेंशियल फॉर एनहांसिंग टीचिंग कॉम्पिटेंसी ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट काफी सिंपल और बार बार पूछने वाला क्वेश्चन जो आपके पेपर में बार बार आता है एनटीए नेटसेट के पेपर में ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, आएगा आपको ध्यान रखना है फंडामेंटल रिसर्च अप्लाइड रिसर्च इम्पैक्ट असेसमेंट रिसर्च या एक्शन रिसर्च तो ध्यान रखना दैट इज एक्शन रिसर्च टीचिंग लाइन की अगर बात करें तो टीचिंग लाइन में ज्यादा से ज्यादा एक्शन रिसर्च यूज होता है जो हमें ध्यान रखना फर्दर क्वेश्चन नंबर नाइन इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बेस्ड स्टडीज द ऑब्बरवेशन डिराइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स आर कंसिडर फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ध्यान से थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है देखो दो वेरिएबल्स की बात हमेशा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होगी नंबर वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और नंबर सेकेंड इज डिपेंडेंट वेरिएबल अगर हम इसको एग्जाम्पल से देखें तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम टीचर को लेंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल में हम स्टूडेंट को लेंगे तो स्टूडेंट जो है ही इज़ और शी इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल और स्टूडेंट किस पर डिपेंडेंट है टीचर पे डिपेंडेंट है और हम क्या करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल में थोड़ा चेंज करके हम ये देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या होता है ऑप्शन आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल मॉडरेटर वेरिएबल या कंट्रोल वेरिएबल इसमें काफी कंफ्यूजन हो जाएगा थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो कट हो गया अभी दो ऑप्शन में डिस्कस करेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या डिपेंडेंट वेरिएबल है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करके हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे उसका इंपैक्ट देखेंगे एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा वही हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए यूज करेंगे तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डिपेंडेंट वेरिएबल क्वेश्चन नंबर टेन ध्यान से तो यू माइट बी नोइंग सैम्पलिंग सैम्पलिंग में दो टाइप के पार्ट्स है दो टाइप के मेथड्स यूज किए जाते हैं दैट इज रैंडम सैम्पलिंग और दैट इज प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी तो प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे मेथड्स है और नॉन प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे मेथड्स है तो आपके पेपर में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नॉन प्रोबेबिलिटी में कौन से कौन से मेथड्स है तो देखो अभी या प्रोबेबिलिटी में कौन से मेथड्स है फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई those विच आर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर तो नंबर वन इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग नंबर सेकेंड डायमेंशनल नंबर थर्ड snowball, number नंबर फोर्थ कोटा नंबर फिफ्थ स्ट्रेटिफाइड ध्यान रखना यहाँ पे पूछा है नॉन प्रोबेबिलिटी कौन सा है इसके लिए आपको थोड़ा सा इसको पढ़ना पड़ेगा तो ध्यान से पढ़ के रखें मेथड्स बिकॉज काफी ईजी है अगर हम देखें ऑप्शन वन टू थ्री टू फोर फाइव वन थ्री फोर टू थ्री फोर बेसिकली देखो इससे आपको मेथड्स uh, अगर पता होगे तो ये आप आंसर कर सकते हो देखो कोटा मेथड और स्नोबॉल स्नोबॉल में क्या होता है जय हो मूवी आपने देखा होगा उसमें एक से दूसरे दूसरे से तीसरे तीसरे से चौथे ऐसे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते जाएंगे तो दैट इज नॉन प्रोबेबिलिटी डायमेंशनल सैंपलिंग जो है दैट इज एन एक्सटेंशन ऑफ कोटा सैंपलिंग तो अगर हम देखें स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग और सिंपल रैंडम ये प्रोबेबिलिटी में आते हैं तो वन और फाइव तो गया वन और फाइव देखो यहाँ पे ए में वन है बी में भी फाइव है सी में बी वन है तो ए बी सी एलिमिनेट हो गए ऐसे क्वेश्चंस में एलिमिनेशन मेथड काफी हेल्प आपको कर सकता है भले इसका आंसर आपको पता नहीं लेकिन सिंपल रैंडम तो प्रोबेबिलिटी में आता है स्ट्रेटिफाइड भी प्रोबेबिलिटी में आता है वन फाइव जहाँ पर है वो कट कर दो तो बचा ऑप्शन हमारे पास एक ही है एंड द ऑप्शन इज टू थ्री फोर तो डायमेंशनल स्टैंपलिंग मैंने आपको अभी बताया डायमेंशनल स्टैंपलिंग इज द एक्सटेंशन फॉर कोटा सैम्पलिंग कोटा तो ऑलरेडी नॉन प्रोबेबिलिटी और स्नोबॉल भी मैंने आपको बताया तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टू थ्री एंड फोर दट सेट तो टेन एम हमने डिस्कस किए हैं इस पूरे आ, रिसर्च के एम में मैंने काफी सारे एक्सप्लेनेशन भी आपको इसके साथ प्रोवाइड किए तो हम मैक्सिमम एम जो डिस्कस करेंगे टेन टू फिफ्टीन हर एक लेक्चर में आपको मिलेंगे विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सिर्फ एम सी क्यू उसके आंसर डिस्कस करके आपको उतना क्लियर क्लैरिफाई नहीं हो पाएगा तो ये जो एम सी क्यू है इसका पी डी एफ मैं टेलीग्राम के चैनल पर शेयर कर रहा हूँ तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर ले लास्ट मिनट रिविजन आर एस एम वहाँ पर आपको सारे के सारे पी डी एफ मिलेंगे पेपर टू का भी आपको अभी कॉमर्स अगर आपका है तो उसके भी आपको एम सी क्यू मिलते रहेंगे ताकि महाराष्ट्र सेट का एग्जाम जो ट्वेंटी सेवन डिसम्बर को होने वाला है उसका आपको काफ़ी हेल्प हो पाए थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन अगर आपको अच्छा लगा है ये एम सी सीरीज तो लाइक करें वीडियो को शेयर करें और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर ले बिकॉज मैं ऐसे ही वीडियोस इस चैनल पे लाते रहता हूँ थैंक यू वेरी मच बाय बाय ऑल ऑफ़ यू टेक केयर